दौसा में आज कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को सीएचसी स्तर पर कोरोना जांच की सैंपलिंग व्यवस्था और आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। ये डीएचएस की बैठक हमारी जो हमने अभी कुछ समय बाद बुलाई है, पिछले दो महीने से जो कोरोना को लेकर इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनी हुई थी उससे हम लोग डील कर रहे थे। अब हमने इसमें सभी जो सीएससी इंचार्ज हैं और बीसीएमओज हैं उन्हीं को आज की बैठक में बुलाया था। उसको हमने यही इनको निर्देश दिए कि कोरोना का प्रोटोकॉल धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, इन्फेक्शन की संख्या अभी भी लगातार पूरे स्टेट में बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उसको लेकर सतर्क बने रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सीएससीज में एक फैसिलिटी तैयार होनी चाहिए सैम्पलिंग के लिए और आइसोलेशन के लिए, और सभी सीएससीज को इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने का एक पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरा उसको प्रोसीजर पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि केवल कोरोना ही एक समस्या नहीं है, अभी एक मौसमी बीमारियों का भी समय आने वाला है आने वाले समय में, जिसको लेके पूरी इनकी तैयारी होनी चाहिए। और ओपीडी का लोड कम से कम रहे इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकल मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो सीएससी वार मैपिंग की जाकर गांव-गांव जाकर लोगों को नेसेसरी चीज़ें वहीं पे प्रोवाइड करें। वो ऑलरेडी प्रक्रिया चल भी रही है, उसको और व्यवस्थित करने के हमने निर्देश दिए। एक्चुअली हमने डीएचएस में डिसीजन लिया है कि जो आइसोलेशन वार्ड जो सीएससी लेवल पे वहीं हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंटों का ट्रीटमेंट करेंगे तथा वहीं पर हम सैंपलिंग करवाएंगे। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव केस को हम होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार हम सीएससी पे हमका ट्रीटमेंट।